नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे दोस्तों आज मैं आप लोग के जीके के महत्वपूर्ण 1000 हज़ार प्रश्नों से सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत तो मैंने एन में आने वाले संभावित प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग एन के एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे वैलिंग प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है तो क्वेश्चन दोस्तों सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है तो बताइए फ्रेंड्स सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है तो कौन सा है दोस्तों मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है ठीक है दोस्तों और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों ऋग्वेद तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है वंश का संस्थापक कौन था बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन है तो कौन था दोस्तों, का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे बताइए फ्रेंड्स गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो कौन थे दोस्तों लाल लाला हरदयाल लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे ठीक है दोस्तों और दोस्तों जो गदर पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने कब की थी सन 1913 ईस्वी में तो ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था तो बताइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था तो किसने किया था तो दोस्तों वाल्डी ने वाल्डी ने लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना की थी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है बताइए फ्रेंड्स भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है दोस्तों जिब्राल्टर को जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर मालदीव की राजधानी क्या है तो बताइए फ्रेंड्स मालदीव की राजधानी क्या है तो क्या है दोस्तों माले माले मालदीव की राजधानी है ठीक है दोस्तों और करेंसी क्या है वहाँ की दोस्तों मालदीप रूफिया ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा और वर्तमान में मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों अब्दुल्ला यामीन चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है बताइए फ्रेंड्स पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है तो कहाँ स्थित दोस्तों जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है श्रीनगर ठीक है दोस्तों और दोस्तों एक और दर्रा है वहाँ पर का, कारा कोरम दर्रा जो है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और जो जिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है बताइए फ्रेंड्स सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है तो किस नदी पर दोस्तों नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर सोया प्रदेश के नाम से कौन सा राज्य विख्यात है बताइए फ्रेंड्स सोया प्रदेश के नाम से कौन सा राज्य विख्यात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तो कौन सा दोस्तों मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है ठीक है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों भोपाल वहाँ के सीएम कौन दोस्तों शिवराज सिंह चौहान गवर्नर कौन दोस्तों इस समय आनंदीबेन पटेल ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था बताइए फ्रेंड्स सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था तो किसने दिया था दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था तो ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं आया तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो क्वेश्चन दोस्तों मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है तो बताइए फ्रेंड्स मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों पीसी कल्चर पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी तो बताइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी तो कौन थी दोस्तों डॉक्टर एनी बेसेंट डॉक्टर एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी ठीक है दोस्तों और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी तो कौन थी दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो बताइए फ्रेंड्स खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कौन सी दोस्तों चिल्का झील चिल्का झील चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहलाती है ठीक है दोस्तों और ये कहाँ स्थित है उड़ीसा में दोस्तों उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन दोस्तों गणेशी लाल और की राजधानी क्या है दोस्तों भुवनेश्वर ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था बताइए फ्रेंड्स अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था तो कौन सा था दोस्तो? दोस्तों कोलंबिया ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है बताइए फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है दोस्तों, पार्थैं तो पार्थैं था 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 दोस्तों? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ठीक है दोस्तों हर साल उनतीस अगस्त को मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी तो बताइए फ्रेंड्स स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी तो कौन से व्यक्ति वे दोस्तों वेडन पावेल वेडन पावेल थे जो स्काउटिंग की स्थापना की थी इन्होंने चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर हमायूं नामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो बताइए फ्रेंड्स हमायूं नामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो कौन है दोस्तों गुलबदन बेगम जो गुलबदन बेगम है दोस्तों हुमायूं नामा नामक पुस्तक के लेखक हैं ठीक है चीके? और जो दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कादम्बरी किसकी रचना है दोस्तों तो किसकी है बाण भट्ट की तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर Osionfish. देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है बताइए फ्रेंड्स देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो किस खेल से दोस्तों क्रिकेट से ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो बताइए फ्रेंड्स धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो क्या है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो बताइए फ्रेंड्स विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो क्या है दोस्तों टोको फिरल विटामिन ई का रासायनिक नाम है ठीक है दोस्तों और जो दोस्तों विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है बाजपन चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि आज का आप लोग सरप्राइज प्रश्न है तो क्वेश्चन दोस्तों भारत को किला किन्हें कहा जाता है तो दोस्तों ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तो दोस्तों ये थे आज के बीस महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यार प्यारा कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो जैसे ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तब तक के लिए बाय बाय टिक टिकय बंदे मातरम